नमस्कार, स्वागत है आज की ताजा न्यूज में। हम छोटी छोटी बातों को बदलेंगे ब्रेकिंग न्यूज में। और भाई कैसी है पब्लिक, स्वाद भी मेरे पास काफी सारी न्यूज है, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके, देन बात कर लेते हैं आज के शॉर्ट आउट की। तो वो जाता है सिमर गेमिंग, टेक्नो प्रो गेमर्स, कुमार पशुपति और अरमान को। तो जिस टाइम मैंने कमेंट पिक किया था उस टाइम इनके कमेंट पर 0 लाइक था। तो अगर आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और जिसके कमेंट पर 0 लाइक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिल जाएगा। ओके, देन बात कर लेते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की, जो की टेक्नो गेमर्स को लेके। तो एक वीक पहले उज्ज्वल ने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी ऑडियंस से कुछ गेम्स के आइडियाज मांगे थे जिनको वो बना सके, और अब कल टेक्नो ने इस पे एक फुल वीडियो बना दी है। तो बाकी इसी पूरे मैटर पर टेक्नो ने क्या बोला है देखो तुम लोग। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ऐसे गेम्स जो कि हमने आपके आइडियाज पर बनाए हैं। आप लोग को याद होगा कि यार पिछले हफ्ते मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाला था कि भाई तुम लोग हमें गेम के आइडियाज भेजो और हम लोग उन गेम्स को बनाते हैं। और यार सही बता रहा हूँ, हमें 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, पूरे के पूरे 5000 गेम आइडियाज की लिस्ट आई थी। हाँ, वो पता लगा कि उनमें से कुछ आइडियाज ठीक ठाक थे, कुछ आइडियाज काफी अच्छे भी थे, पर बाकी आइडियाज भाई इतने घटिया वाहियात आइडियाज तुम लोगों ने भेजे हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम भेजा क्या, समझ ही नहीं आ रहा उसका करना क्या है। बट वो दिखाने से पहले ये बता देता हूँ कि जो 5000 आइडियाज की लिस्ट आई थी उसमें से हमने बेस्ट 3 आइडियाज ढूंढ के डेवलपर्स को भेज दिया था और सारी गेम्स बनकर आ चुकी है। तो आज हम लोग आप लोग के आइडियाज पर बनाई हुई गेम खेलने जा रहे हैं। बाकी वो गेम्स कौन कौन सी हैं ये आप लोग फुल वीडियो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, देन बात करते हैं आप लोग न्यूज की, जो कि गेमर फ्रीडो यस मार्टी पाई को लेके। तो क्या फ्रीड भाई ने यस मार्टी पाई की वीडियो को कॉपी किया है? तो जैसे कि लोग इन दोनों ही क्रिएटर्स को बोलते रहते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के कॉन्टेंट को कॉपी किया है, तो अब इस पर यस मार्टी पाई ने कल अपने नो स्मार्टी पाई चैनल पे रिएक्शन वीडियो में बात करी है। तो बाकी वो इस टॉपिक पर क्या कुछ बोले हैं देखो तुम लोग। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें क्या था कि जैसे तुम लोग बता, हम लोग इंग्लैंड के बहुत स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं अलग अलग, कोई बहुत बड़ा कैसल होता है, कोई कुछ होता है। तो मैंने और गेमर फ्लिट ने सेम चीज इस्तेमाल करी, ठीक है ना। तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बंदा बोलता कि गेमर फ्लिट ने स्मार्टी पाई की वीडियो देखकर वही से अपनी फ्लिट एसएमपी थी या फिर दूसरी एसएमपी थी शायद उनकी जो स्टोरी बेस्ड थी उसमें डाल दिया। तो भाई मुझे इतनी हंसी आई इस बात को देख के। क्यों आई मुझे हंसी, मैं तुम लोग को बताता हूँ। क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर था ना वो पेड स्ट्रक्चर है। जितने भी यूट्यूबर तुम लोग देखते हो ना भाई, जैसे म्यूजिक ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सबके सब 2-3 ही वेबसाइट है जहां से सबने सब्सक्रिप्शन ली होती है भाई, ठीक है ना। और सारे वहीं से म्यूजिक ढूंढते हैं, टॉप के म्यूजिक होते हैं, सब वही यूज करते हैं, तो कॉपी नहीं करते हैं सब अपने। और अलग अलग भी जाएंगे ना तब भी सेम ही म्यूजिक डाउनलोड करके लाएंगे। उसी तरीके से वो जो स्ट्रक्चर्स वगैरह वाले जो पेट्रियॉन्स होते हैं ना, वहां से मैंने फ्लिट ने सेम ली होगी और उसने भी यूज किया, मैंने भी यूज किया। तो भाई क्या बड़ी बात है इसमें ना। हम मेरे को एक चीज की गारंटी दे रहा हूं मैं, लोगों को पता नहीं होता ना, बट लोग क्या बोलते हैं, जो दिखा उनको लगा कि अच्छा ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है तो ऐसा ही होगा और वीडियो बना के डाल देंगे भाई विदाउट एनी फैक्ट चेक। फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है भाई, जो लोग नहीं करते हैं, जो कि गलत। बाकी जैसे कि हिमलर्स इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड फेमस है और स्मार्टी पाई ने अपनी इसी वीडियो में बताया कि फॉरेन कंट्री में यूट्यूब खुद क्रिएटर्स को एनकरेज कर रहा है कि वो इंडियन माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के जैसी वीडियोस को बनाए। तो बाकी इस पे भी वो क्या कुछ बोले देखो तुम लोग। मेरी बात का मेरी यूट्यूब टीम से मेरी डिस्कशन हुई और बाहर के देश जो है ना, ये अपने सिंगापुर तो नहीं बोलेगा, कौन सा मलेशिया था या फिर कोई और देश था, वहां पे हिमलैंड्स जैसे एसएमपीस की बातचीत होती है कि भाई ये बंदे कौन है, और हमारे आइडियाज कि भाई इंडिया में ये जो यूट्यूबर है स्मार्टी पाई, ये जो यूट्यूबर है गेमर फ्लिट, ये जो यूट्यूबर है एसजीओ, ये लोग इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, तुम लोग भी बनाओ भाई, तुम लोगों के भी व्यूज आएंगे। यूट्यूब की टीम हमारे आइडियाज बाहर के देशों में पहुंचाता है ताकि वो लोग हमारे ऐसा करें, समझे तुम लोग। ये चीज मेरी इंटरनल टीम से बात हुई है, तो हम लोगों की इतनी तारीफ होती है बाहर के देश में क्योंकि हमारा इतना ओरिजिनल कंटेंट है। ये कौन सा एसएमपीस का, अंदर कन्वर्सेशन वगैरह हो रही है, दिखा रहे लोगों को कि भाई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, बातें करके। ओके, धन बात करते हैं आप लोग न्यूज की, जो करे प्रोवर्स को लेके। तो जैसे कि इस टाइम पे प्रोवर्स को उनकी ऑडियंस की तरफ से थोड़ा सा हेट मिल रहा है, और वो हेट उनको उनकी वॉइस चेंज की वजह से और दूसरा डार्क हीरोज की वजह से मिल रहा है। तो अब इसी टॉपिक पर श्लोकुश भाई ने फुल वीडियो बनाया है, आप लोग फुल वीडियो जाके देख लेना, बट यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो मैं तुम्हें एक रीजन बता रहा था जिसकी वजह से प्रोवर्स को बहुत ही ज्यादा हेट मिला है। तो गाइस, जब प्रोवर्स को डार्क हीरोज का एपिसोड डाले 1-2 महीने हो चुके थे, तब ऑडियंस डार्क हीरोज का एपिसोड का बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रही थी। तब प्रोवर्स ने एक पोस्ट डाला सून और नीचे डार्क हीरोज का फोटो था, मतलब लोग समझ चुके थे कि अब डार्क हीरोज का एपिसोड आने वाला है। एंड उसी के कुछ दिन बाद प्रोवर्स ने एक और पोस्ट डाला टुमारो एंड नीचे डार्क हीरोज का फोटो था, मतलब अब ऑडियंस समझ चुकी थी कि कल डार्क हीरोज का एपिसोड आने वाला है। बट यार हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा, अगले दिन डार्क हीरोज का कोई भी एपिसोड नहीं आया और फिर प्रोवर्स ने उसी पोस्ट के कमेंट में ये लिखा कि सॉरी गाइस आज एपिसोड नहीं आया बट कल 100% आएगा। एंड फिर ऑडियंस अगले दिन का इंतजार करने लगी, बट यार अगले दिन भी एपिसोड नहीं आया, बिकॉज यार हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह का काम रह गया हो एंड इसीलिए वो एपिसोड इतना डिले हो रहा था। बट जब उस दिन भी एपिसोड नहीं आया ना, तो प्रोवर्स की खुद की ऑडियंस ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ कमेंट्स दिखाने वाला हूं, इन्हें पॉज कर रीड कर लेना। अब यार ऑडियंस क्यों नहीं समझते कि भाई वो वीडियो है हलवा नहीं जो 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। प्रोवर्स की ऑडियंस उसे हेट दे रही थी क्योंकि वीडियो डिले हो गई थी। वैसे ये हेट मिलना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बिकॉज प्रोवर्स की ऑडियंस बच्चे हैं एंड उन्हें ये सारी चीज समझ में नहीं आती कि एक एपिसोड को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ओके, सो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
to talk.